सो हे गाइस, स्टार्स हियर, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो फाइनली रियल क्रिकेट कंपनी ने एक और सरप्राइज रिवील कर दिया आप सभी के साथ। जी हाँ गाइस, कल रात को रियल क्रिकेट कंपनी ने एक और न्यू प्रोमो रिलीज किया है अपकमिंग नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो ये जो न्यू प्रोमो रिलीज किया है रियल क्रिकेट कंपनी ने, यहाँ पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या न्यू फीचर्स एड हुआ है, वो सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो ये प्रोमो के अंदर क्या चेंजेस हुआ है और क्या न्यू फीचर्स डाला गया है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है रियल क्रिकेट 20 गेम में, वो धमाकेदार मेगा अपडेट होने वाला है। यहाँ पर आपको काफी सारे न्यू फीचर्स मिलेगा जो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दिल से लाइक कर दो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखो ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, रियल क्रिकेट ने ये जो ऑफिशियल प्रोमो रिलीज किया है ये आप सबसे पहले देख लो, उसके बाद मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताता हूँ। Good ball, but they managed to steal a single. No ball call. Get ready for the free hit now. तो गाइस, रियल क्रिकेट ने ये जो ऑफिशियल प्रोमो रिलीज किया है यहाँ पर आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला चेंजेस आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको थर्ड अंपायर कॉल कर सकता है नो बॉल, ये फीचर्स भी यहाँ पर डाला गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यू रूल्स चालू है, थर्ड अंपायर कॉल कर सकता है अगर नो बॉल होता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर नो बॉल होता है, थर्ड अंपायर अगर कॉल देता है नो बॉल का, तो स्टेडियम में एक हॉर्न बजेगा, तो ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जर्सी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि जर्सी का थोड़ा सा कलर वगैरह डीप हो गया है और जो यहाँ पर होता है वो भी थोड़ा सा अदल बदल गया है, ये भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। मुंबई इंडियंस का जर्सी आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्कोर बोर्ड में चेंजेस। जी हाँ, स्कोर बोर्ड का कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पर जो UI होने वाला है अभी गेम का ये भी चेंज हो चुका है। तो आपको स्कोर बोर्ड का कलर चेंजेस देखने को मिलेगा, जर्सी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर बॉल थ्रो होता है तो डायरेक्टली स्टैंप पे नहीं लगेगा, एक टप्पा गिर के बॉल फील्डर के पास या फिर बॉलर के पास बॉल जाने वाला है, तो ये भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये वाला अपडेट यार काफी धमाकेदार फीचर्स को प्रोवाइड करता है। थर्ड एम्पियर का नो बॉल फीचर्स आपको देखने को मिलेगा और स्टेडियम में नो बॉल होता है तो हॉर्न बजेगा, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आने वाला है। स्कोर बोर्ड में काला चेंजेस देखने को मिलेगा, जो आपको मेनू के अंदर जो कलर वगैरह देखने को मिलता था अभी पहले रेड था, तो ये भी आपको चेंजेस अभी आपको देखने को मिलने वाला है, ये भी चेंज हो चुका है। तो काफी सारे चेंजेस आपको आपको देखने को मिलेगा। अभी जर्सी में भी चेंजेस हो चुका है, जैसे कि आपको पता है न्यू करेंट इंडियन टीम का या फिर दूसरे देश का जो भी जर्सी है क्रिकेट में वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये वाला अपडेट यार आप सभी को डेफिनेटली पसंद आने वाला है, काफी सारे न्यू फीचर्स इस अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा फीचर्स तो मुझे ये लगा कि यहाँ पर आपको न्यू जर्सी देखने को मिलता है, जो इंडियन टीम का करंट जर्सी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्कोर बोर्ड में चेंजेस देखने को मिलता है कलर में, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बॉल थ्रो होता था, पहले क्या होता था कि आप बॉल थ्रो करते हो फील्डर या फिर बॉल थ्रो करता है ना, तो डायरेक्ट स्टैंप पे लगता था या फिर बॉल कैच कर लेता था। लेकिन गाइस अभी क्या होगा कि बॉल थ्रो होगा तो एक टप्पा गिर के बॉल फील्डर के पास जाएगा या फिर एक टप्पा गिर के स्टंप पे बॉल लगेगा, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स लगा है। कैच में भी शायद चेंजेस होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि बाउंड्री लाइन पे जंप करके कैच नहीं होता था, तो डेफिनेटली ये फीचर्स भी शायद इस अपडेट में आ सकता है। तो सब मिला के रियल क्रिकेट 21 से पहले पहले ये सारे फीचर्स आपको रियल क्रिकेट 20 में ही देखने को मिलता है, और काफी सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पर इस अपडेट में देखने को मिलेगा। जो अपडेट आने वाला है, अपडेट में रिव्यू करूंगा ना, तब आपको बता दूंगा कि क्या चेंजेस हुआ है। और गाइस, एक और गुड न्यूज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अपडेट आने वाला है अपडेट आपको काफी जल्दी देखने को मिलेगा, इसी दिसंबर महीने में आपको देखने को मिलेगा, फास्ट वीक के एंड में, यानी कि जो 15 से 20 तारीख होता है इसके बीच में ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा, बहुत ही चांसेस है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इस अपडेट में आपको एक और फीचर्स मिलेगा सेशन 3 मल्टीप्लेयर में, और जो यहाँ पर होने वाला है एक टूर्नामेंट आपको फ्री में खेलने के लिए मिलेगा, यानी कि आप वोट करोगे तो वो सारे टूर्नामेंट आपको फ्री में खेलने के लिए मिलने वाला है कुछ दिनों के लिए। तो ये भी आपको यहाँ पर फीचर्स डाला गया है, काफी सारे चेंजेस हुआ है। तो अभी ये कंपनी काफी अच्छे अच्छे काम कर रहा है, अभी बस ये चाहता हूँ कि यार जो भी फीचर्स लेकर आए बस फ्री हो यार, फ्री हो तभी जाके खेलने में गेम मजा आएगा। क्योंकि ये कंपनी एक तो ऐड चलाता है गेम के अंदर, काफी भर भर के ऐड आता है, और दूसरा ये है कि अगर कोई भी चीज पेड होगा तो उसको खरीदना पड़ेगा, तो अगर वो ऐड देख कर कटा सकता है तो अच्छा होता हम सभी के लिए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बात मैंने कह दिया, आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो भाई वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आता हूँ। तो मेरे भाई लोग, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप सभी के साथ एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।